हर तस्वीरें आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नामांकन करने पहुंचने वाले हैं, 14 मई को वो नामांकन करेंगे, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं वो बेहद सुखद है, बेहद खूबसूरत हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद अब बनारस की तस्वीर बदलने लगी है। प्रधानमंत्री ने बनारस को कितना बदल दिया उस पर विस्तार से चर्चा होगी सिर्फ विस्तार न्यूज पर। देखिए आज से विस्तार न्यूज की जो खास रिपोर्ट है बनारस से, और समझिएगा कि किस तरीके से काशी इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री का। बात 14 दिसंबर 2021 की है। प्रधानमंत्री दो दिन के काशी दौरे पर थे। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया, लेकिन जब 14 दिसंबर की सुबह लोगों की नींद खुली तो सोशल मीडिया पर एक ही तस्वीर सुर्खियों में थी। प्रधानमंत्री आधी रात को अचानक शहर में विकास कार्यों का जायजा लेने पहुंच गए। पहला पड़ाव था काशी विश्वनाथ मंदिर, इसके बाद वो अपने अगले पड़ाव यानी बनारस स्टेशन के लिए निकल पड़े। रात करीब 1 बजे प्रधानमंत्री मोदी बनारस स्टेशन पहुंच गए, वहां के चल रहे कामों की समीक्षा की, वहां कर्मचारियों से मिले। प्रधानमंत्री के साथ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी थे। मंडुआ डीह के नाम से सालों से मशहूर इस स्टेशन के कायाकल्प के साथ ही लोगों की मांग के बाद इसका नाम भी बदल गया और अब मंडुआ डीह स्टेशन बनारस स्टेशन हो गया। आज इसी बनारस में मौजूद है विस्तार न्यूज, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर आपको इस बनारस रेलवे स्टेशन की बदली तस्वीर दिखाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। विस्तार न्यूज में अगले कुछ दिनों तक हम आपको लगातार बताते रहेंगे कि बनारस का कैसे पिछले 10 सालों में विस्तार हुआ है और बनारस कैसे बदला है। और जो मैं आपको पीछे तस्वीर दिखा रहा हूं, ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। और शुरुआत रेलवे स्टेशन से इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि जब आप आएंगे और बनारस घूमने आएंगे तो आपको इसी स्टेशन में उतरना पड़ेगा, यहीं से आपको बनारस का विस्तार जो हुआ है वो देखने जाना पड़ेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि रेलवे स्टेशन को कितना बदल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आपके शहर का सांसद, गौर कीजिएगा इस लाइन पर, आपके शहर का सांसद अगर देश का प्रधानमंत्री हो, 10 साल तक हो और फिर तीसरी बार वहीं से चुनाव लड़ने जा रहे हों, तो फिर शहर कैसे बदलता है, शहर का कितना विस्तार होता है, ये सब कुछ दिखाने की शुरुआत रेलवे स्टेशन से ही करता हूं। उसे आने के बाद उनकी प्रतिक्रिया भी आपको सुनाता हूं। तो चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। कैमरा देख रहे हैं क्या जी? जी दिखा दो भाई इनको। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ठीक है, रेलवे स्टेशन देखने आए थे हम लोग। अच्छा, अच्छा। कि रेलवे स्टेशन में कुछ बदला उदला है कि नहीं बदला है, चौचक बना कि नहीं बना? एकदम योगी जी के राज में, मोदी जी के राज में एकदम साफ सफाई, हर व्यवस्था एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। कितना बदला है, पहले कैसा था और अब कैसा है? पहले कैसा था? पहले से तो आपके आपके देखते हुए सर बहुत अच्छा हो गया है सर, साफ सफाई हर चीज़ बदला हुआ है। तो स्टाइलिश आदमी है जी जी, स्टाइल बहुत तगड़ी दिख रही है आपकी। तो हम अंदर जाएं और लोगों से बात कर लें? हाँ हाँ, जाइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं सर, ये कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, दाखिल ही हुए थे, मिल गए, हमने कहा बातचीत कर लें। दाखिल हो गया हूँ मैं रेलवे स्टेशन के अंदर और ये देखिए आप, साफ सफाई देखिए, साफ सफाई देखिए और यहाँ की सुविधाएं देखिए, यहाँ जो बैठे हैं लोग वो चेयर देखिए और इसके साथ ही ये सुंदर नज़ारा देखिए। ये रेलवे स्टेशन है, लोग ठीक ही कह रहे थे कि ये एयरपोर्ट जैसा दिखता है। कैसे हैं आप? ठीक हैं?
अच्छे हैं, बढ़िया है। कहाँ से आ रहे हैं? हरपालपुर। कहाँ जा रहे हैं? यही आए हैं बनारस। रेलवे स्टेशन ठीक लग रहा है? बढ़िया है। आते रहे हैं पहले भी कि अभी पहली बार आए? फर्स्ट बार आए। इससे पहले नहीं? नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि ये स्टेशन जो है पहले से बहुत बदल गया, मोदी जी ने इसको बदला है, कुछ अच्छा दिख रहा है देश में और रेलवे स्टेशन से अलग दिख रहा है? नहीं दिख रहा। हाँ दिख रहा है। क्या क्या अलग दिख? इसकी मतलब बनावट भी अलग प्रकार की है। हाँ यही सब चीज़ है। साफ सफाई के मामले में भी बहुत अच्छा है। आप कहाँ से हैं चाचा? हम तो बनारस से। बनारस से? तो आपसे थोड़ा ज़्यादा बतियाना पड़ेगा। बिटिया इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, पापा के पास बैठो। आप एक बिटिया है ना? हाँ ठीक। बनारस से हैं जी? है? जी। तो यहाँ रेलवे स्टेशन में क्या मतलब ठंड लेने आए हैं? नहीं आए थे दवा लेने डी एल डब्ल्यू। तो यहाँ कहाँ बैठे हैं? ट्रेन हमारी। संस्कृति जो है विशेष करके लाज यहाँ देखने में लोगों को अच्छा लगे। और क्या सफाई दिन भर होती है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ कितने देर देर में होती है वो? बराबर पर पोछा चलता है। हाँ। पोछा बराबर चलता है। रेलवे स्टेशन कितना बदला है मोदी राज में? बहुत अच्छा हो गया सर। बहुत अच्छा। हम लोग यहीं? नहीं, हम लोग सोनभद्र से आए हैं। अच्छा, तो कैसे पता कि बहुत अच्छा हो गया? हम लोग बराबर यहीं से ट्रेन पकड़ते हैं। पहले मड़वाड़ी स्टेशन एकदम छोटा सा हुआ करता, आज देखिए कितना बड़ा हो गया है। हाँ। बहुत सुंदर हो गया है। और क्या क्या बदला दिखा? क्या बदलाव देखिए, ये बोलेंगे तो कैसे समझेगा हमारा दर्शक? बदलाव क्या क्या हुआ है ये बताइए। बदलाव पहले आप बताइए, फिर आप बताइए। बदलाव देखिए, प्लेटफॉर्म हमारा पहले छोटा सा था, आज बहुत बड़ा हो गया है। लोगों की ठहरने की उत्तम व्यवस्था हो गई है। एसी हॉल हो चुका है। 7-8 प्लेटफॉर्म हो चुके हैं, पहले 2 प्लेटफॉर्म था। हाँ, आज के दिन में ये बदलाव हो रहा है। बनारस बहुत खूबसूरत हो रहा है। रामनगर में चौड़ी रोड हो रही है। क्या ड्यूटी है आप लोग का? ये क्या है, यूटीएस मोबाइल ऐप क्या है ये? यूटीएस ऐप का पब्लिक में जागरूकता कर रहे हैं। इससे जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, सीजन टिकट निकलता है। अच्छा, इससे निकलता है? कैसे निकलता है? ऑनलाइन टिकट। ये आप लोग जागरूक कर रहे हैं लोगों को, जब तो थोड़ा जागरूक कर रहे हैं तो बता दीजिए कि क्या कर रहे हैं पब्लिक, बता दीजिए। यूटीएस ऐप इंस्टॉल प्ले स्टोर से होगा, उसको कैसे चलाते हैं इसके बारे में सारी जानकारी उनको दे रहे हैं। अच्छा, सूर्यांश आप तो यहीं के हो ना? जी सर, यहीं से हूँ मैं, बनारस में। आज मुझे लग रहा है कि मैं 15 साल से रह रहा हूँ यहीं पे। 15 साल से सूर्यांश यहाँ रह रहे हैं, हमारे सहयोगी भी हैं। इनको इसलिए लेकर आए हैं ताकि ये सब कुछ बताएं हमें और दिखाएं। ये क्या क्या बदला है 15 साल में इस स्टेशन में, दिखाते हुए बताइए, फिर तो यात्री से सुविधाओं के मसले पर बात करेंगे। जब मोदी जी आए और इसके नवीनीकरण की शुरुआत उन्होंने की। ये कहाँ की फोटो है? ये फोटो देखिए सारनाथ की है, भगवान बुद्ध, जो बौद्ध धर्म का पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, तो उसकी यहाँ पे आकृति को झलकाया गया है। अच्छा ठीक है। और ये गंगा आरती, फेमस नया वाला विश्वनाथ मंदिर जिसको वीटी के नाम से जानते हैं, बीएचयू के अंदर स्थित है ये मंदिर। हाँ, नया वाला विश्वनाथ। तो बनारस की संस्कृति और बनारस की पहचान उसको दर्शाने की कोशिश की गई। और ये काशी विश्वनाथ? काशी विश्वनाथ, प्राचीन काशी विश्वनाथ, असली काशी विश्वनाथ। ये भी असली है? असली मतलब आप ये इनका रिनोवेशन हो गया? रिनोवेशन हो गया है। ये सारी चीज आपको यहाँ दिखेगी। और क्या बदला आपको दिख रहा है? और सर ये अर्धनारीश्वर यानी आधा में भगवान शंकर, आधा में माता पार्वती, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पे फुहारे बनाए गए। उसके अलावा सर जब मोदी जी आए तो ये जो इतना बड़ा प्रतीक्षालय इन्होंने बनवाया है। हाँ। कि ताकि महिला हो या पुरुष हो, रात में ट्रेन हो तो आके यहाँ पे आराम से रह सके, कोई सुरक्षा में दिक्कत ना हो, खाने पानी पीने की दिक्कत ना हो, उसके लिए कैंटीन। ये प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भी आपको रेलवे स्टेशन में है, दवाइयाँ मिलती हैं? जी जी। कितने दाम में? दाम तो सर सबका अलग अलग रहता है। हाँ? मार्केट रेट से सस्ता है बस, जो मार्केट रेट से सस्ता है। ये आपका यहाँ पे जन औषधि का जो है वो मेनली जो जेनरिक प्रोडक्ट्स हैं उनका सारा है। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है और कैफेटेरिया भी दिख गया है, तो चलिए देखते हैं कि रेलवे स्टेशन बनारस में खाने की क्या क्वालिटी है। ये भी आपको खा के ही बताता हूँ, खा के बताऊँगा तो ज़्यादा ठीक लगेगा। थाली है? जी है। कितने की है? 70 की है। 70 रुपये? जी। कब खुला ये रेस्टोरेंट? हो गया 2-3 साल, मतलब स्टेशन खुला तभी का। ठीक है, तो खाना खिला दीजिए, हम लोग देख लें कि खाना कैसा मिलता है आपके यहाँ। थाली लगवा दीजिए। मेरी भी थाली आ गई है और एक पनीर की सब्जी है। खाना गरम है, आलू मटर की सब्जी है, दाल भी बहुत पतली नहीं है।
आपकी थाली तो लगभग खत्म हो रही है, सफर करते रहते हैं, कैसा खाना है? खाना यहाँ का बढ़िया है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, गर्म खाना है जो कि चाहिए स्टेशन पे एटलीस्ट, और रिजनेबल प्राइस में खाना अच्छा मिल जाता है। स्टेशन में और क्या बदलाव दिख रहा है, आप बनारस अगर आते रहे हैं तो पिछले सालों में जो देख पा रहे हैं? देखिए, ये स्टेशन मंडुआडीह पुराना स्टेशन था जो कि छोटा था, लेकिन इसको एक्सपैंड किया जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ डेवलप किया जा रहा है, काम हो रहा है, जो कि अब स्टेशन पर अच्छा लग रहा है। एज़ कम्पेयर टू वाराणसी कैंट जहाँ हम ज़्यादा आए हैं, यहाँ पहली बार आए हैं और यहाँ अच्छा लगा, और जगह घूमने के जिस तरह से और दूसरे स्टेशन पर गए हैं उसके मुकाबले यहाँ पर अच्छा लगा है। तो खाना भी अच्छा है, स्टेशन भी अच्छा है। तो देखिए, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी ने आपको बनारस स्टेशन की तस्वीरें दिखाई। अगर किसी जिले के सांसद देश के प्रधानमंत्री हो तो वह विकास की कैसी धारा बहती है उसका जीता जागता उदाहरण है काशी। स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक वाराणसी में कितना विकास हुआ है, एक एक तस्वीर दिखाएंगे बनारस विस्तार से में। देखिए हमारे सहयोगी आदर्श सिंह की ये खास रिपोर्ट। अब से कुछ दिनों बाद ही पीएम मोदी वाराणसी से तीसरी बार नामांकन करने वाले हैं और इस नामांकन की चर्चा न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में है। वाराणसी से नामांकन करने के साथ ही इस बात की भी चर्चा है कि आखिर बनारस कितना बदला है। सबसे ज़्यादा अगर हम बनारस में बात करें तो विदेशी मेहमान आते हैं, और विदेशी मेहमान आते हैं एयरपोर्ट से, यानी अलग अलग जगहों से फ्लाइट लेकर एयरपोर्ट पहुँचते हैं। तो आखिर एयरपोर्ट से क्या कुछ बदला है वो तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाबतपुर वाराणसी में मौजूद हैं, और वाराणसी में अभी इस एयरपोर्ट की बात करें तो करीब 800 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट है, लेकिन एक नया टर्मिनल करीब 75,000 वर्ग मीटर में बनाया जाने वाला है जिसमें करीब 995 करोड़ रुपए खर्च होंगे, और साथ ही साथ इसमें जो यात्रियों के आने की क्षमता है वो 8 भी लगने वाला है। लेकिन माना जा रहा है कि इसके साथ यहाँ पर काशी की संस्कृति, काशी की सभ्यता और बाकी चीज़ें जो हैं वो भी देखने को मिलेंगी। तो हमने सोचा सबसे पहले आपको एयरपोर्ट पर ही लेकर चलते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या कुछ बदला है। तस्वीरों में निश्चित तौर पर सुरक्षा और बाकी चीज़ों के ध्यान में रखते हुए हम आपको एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है और यकीन मानिए कि जो हमने अपनी आंखों से देखा है उसके मुताबिक एयरपोर्ट में अब पहुंचने के बाद आपको काशी की, भारत की संस्कृति की झलक एयरपोर्ट के एक एक हिस्से पर मिलती है। सुरक्षा की व्यवस्था बेहतर की गई है। इसके साथ ही साथ आने वाले दिनों में जब नया टर्मिनल बनकर तैयार होगा तो उसके साथ काशी का एक एक रंग, एक एक झलक आपको इस नए टर्मिनल पर देखने को मिलेगी, और माना जा रहा है कि ये अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने वाला है। देखिए, वाराणसी में ना सिर्फ एयरपोर्ट बेहतर बना है बल्कि रेलवे स्टेशन और बस अड्डे भी बेहतर हुए हैं, और इसी के साथ साथ सड़कों का भी विस्तार हुआ है। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से अलग अलग जगहों को जोड़ने के लिए बनारस में हाईवेज बने हुए हैं। अगर आप ये तस्वीर देखें तो देख सकते हैं कि ये भी मिर्ज़ापुर और साथ ही साथ गाजीपुर, आज़मगढ़, बलिया, ऐसे जो आसपास के ज़िले हैं उनको जोड़ने के लिए वाराणसी का बनाया गया है। इसी के साथ साथ वाराणसी में करीब 750 करोड़ रुपए की लागत से रिंग रोड भी बनाई गई है। जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक नया लंबा जो है बाईपास बनाया गया है, एक पूरा
फ्लाईओवर बनाया गया है जिसको एयरपोर्ट से सीधा शहर को कनेक्ट करता है। तस्वीरें आप देखिए कि वाराणसी में निश्चित तौर पर पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदला है। बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आपको देखने को मिलेंगी कि लगेगा कि पहले के बनारस में और अब के बनारस में काफ़ी कुछ बदला हुआ है। सड़कों के साथ साथ तारों के जाल को भी बेहतर किया गया है, यानी तारों का जाल जो सड़कों पर दिखता था उसे कम किया गया और काफ़ी हद तक ख़त्म करने के लिए अंडरग्राउंड भी किया गया। तो ये वो तस्वीरें हैं जो बनारस या आज के बनारस को दिखाती हैं और बताती हैं कि आने वाले दिनों में और भी बदलाव और बेहतरी की उम्मीद है और भी विस्तार की उम्मीद है। कैमरामैन शिवेंद्र त्रिपाठी के साथ आदर्श सिंह, विस्तार न्यूज, वाराणसी। मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, अनंत अविनाशी काशी की ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसकी वजह से काशी काशी है, जिसकी वजह से काशी अविनाशी है, जिसकी वजह से काशी मदमस्त है। काशी का फक्कड़पन पूरी दुनिया में मशहूर है। आज उसी फक्कड़ काशी को तस्वीरों में संजोया है हमारे सहयोगी विष्णुकांत तिवारी ने। देखिए बनारस विस्तार से। बांध बड़ा बढ़िया, रचत बहुत बढ़िया। नहीं, इसको खा लीजिएगा तब बट जाइएगा। रोवत रोवत बीज गई लबायसिया से आई तकिया। चमेला देवी मिर्जापुर से आ रही है, मिर्जापुर की रहने वाली चमेला देवी। अब देखिए इसका जो नाच है मोबाइल के आगे, ये सब बंद हो गया। कितने समय से लगा रहे भैया? हमारी ये तीसरी पीढ़ी है भैया। अच्छा, हाँ। कितना कमाई हो जाता है? कहीं मत देखिए, कमाई वाई मत पूछ। कमाई नहीं पूछ। हम लोग 10-20 हज़ार रोज कमाते हैं। अच्छा, वाह। तो दुकान ऐसे बड़ा जगह लेने की नहीं सोचे? क्यों, बड़ा आदमी रहेगा तो बड़ा जगह ले लेगा। हाँ, हम लोग छोटे आदमी हैं, बड़ा काम करते हैं। अच्छा, आप कभी हमारा लड़का है। अच्छा, आप दूसरी पीढ़ी हैं, आपके आपके जो पिताजी? मेरे पिताजी, पिताजी के पिताजी सब यही काम करते थे। अच्छा, पान बड़ा बढ़िया, रचत बहुत बढ़िया। नहीं, इसको खा लीजिएगा तब बट जाइएगा। हाँ, खा के बताइए। हाँ, मीठा पान एकदम, मलाई मार के चीनी ठोकते हैं। हम लोग बनाना समझे चाहे थे। कौन टाइप से समझे चाह रहा है बतावा? कौन टाइप को समझाए अंकल? देखा अंकल, बात ये हो कि हम लोग पान लगाई ला हर टाइप का। पान 20 रुपया का भी लगाई ला, पान 30 रुपया भी लगाई ला, 40 रुपया का भी लगाई ला, कहा समझ 10 रुपया का भी लगाई ला, 5 रुपया का भी लगाई ला। और कभी कभी कोई आ जाला तो क्या फ्री में भी खिला दे ला। ये बनारस की संस्कृति है। आप लोगों की नज़र में बनारस क्या है? अरे, दो लाइन में अगर आप, बाहर से जो व्यक्ति आता है अगर आप बताना चाहें। इट वॉज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग प्लेस विच पीपल कम टू विजिट दैट, टू विजिट विजिट दैट बीटल, दे हैव टू इन्वेस्ट मनी। If you want something normal, we give that normal thing. If you want something special, we take a special price too. आप कहाँ तक पढ़े अंकल जी? कहाँ तक पढ़े हैं मतलब आप? I have college without knowledge. अरे वाह। But you have knowledge with college. And I have knowledge without college. Wow. Remember that. I will remember this. हम ये याद रखेंगे। बहुत जरूरी है कि आपको याद रखना कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। But I can speak English. I didn't read any cloth. But I live with Western people together. We talk and talk. We get knowledge. Anything more? धन्यवाद, वेलकम। आपकी स्माइल महादेव, आपकी स्माइल बहुत
शानदार पीपुल गॉट नॉलेज विथ कॉलेज एंड वी हैव नॉलेज विदाउट कॉलेज रोवत रोवत बीज गई लबायसिया से आई तकिया केकरा याद में जागत बड़ू सारी सारी रतिया जाके परदेसवा नहीं लगत वही नहीं दिया जब सोवत वही हन्ना। क्या मतलब हुआ इसका? गाना है भोजपुरी में। वो अर्थ क्या है इसका? अर्थ क्या है? वो जाते है बाहर ना, बाहर नींद नहीं आता है। हाँ वो तेरे, हाँ याद करते हैं। शादी हो गई? हाँ मेरा शादी हो गया है, छोड़ छोड़ौती भी हो गया है, क्या करूँगी। हाँ यही तेरे यहाँ पे 9,000 मिलता है। बनारस बहुत मतलब बिल्कुल चिल करके जिंदगी आप लोग जीते हैं, मतलब बहुत परेशान लोड नहीं लेते हैं कोनो बात के? नहीं नहीं कोई बात का टेंशन, यहाँ गंगा जी है ना, गंगा जी सबका पार कर देती है। हाँ इसलिए हम लोग लोड नहीं लेते हैं। चमेला देवी मिर्जापुर से आ रही है, मिर्जापुर की रहने वाली चमेला देवी। ये कठपुतली का नाच है, ये बहुत पुराना चीज़ है साहब। ये पहले में देखिए हर स्कूल कचहरी में सब चीज़ होता था। इसका नाम है कठपुतली का नाच। अब देखिए इसका जो नाच है मोबाइल के आगे ये सब बंद हो गया, अब बहुत कम चलता है, थोड़ा सा एक आध गो नचाते हैं और परिवार में कोई नहीं दिखाता है। तो आप कब से कर रहे हैं? हम पहले करते थे पुरानियन के साथ में, तो वही थोड़ा सीखा था। हाँ। तो ही नचा रहे हैं। कितना कमा लेते हैं बाबा? मिल जाता है 200-400 मालिक दिन का। हाँ। और बाल बच्चे? सब बालू बच्चा और सब गृहस्थी काम। हाँ। जी आप कहाँ रहते हैं? हम यहाँ पर रहते हैं आपको पचकोसी। अच्छा। जी आपको बाहर से आए क्या जाने बनारस क्या है, थोड़ा मेरे को बनारस के बारे में बताइए। क्या है बनारस? बहुत अच्छा है ये काशी नगरी में, जो भी आते हैं तो सफल होता है। जो भी आते हैं बाबू लोग बहुत दूर दूर के आते हैं लोग काशी जी का नाम सुनकर, विश्वनाथ मंदिर दर्शन लोग करते हैं, दर्शन करके लोग तब जाते हैं। कितने बजे चालू कर देते हैं जी? 8-9 बजे आते हैं, 8-9 बजे से चालू करते हैं। कोई 3 बजे दस साल में काशी कितना बदला, इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, वो रंग भी दिखाए जो काशी में इस वक्त नजर आए। दस साल में काशी कितनी बदल गई है, 10 पॉइंटर्स में भी समझ लीजिए काशी को प्रधानमंत्री ने क्या कुछ दिया है। पहला, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। दूसरा, 84 से ज्यादा घाटों का कायाकल्प। तो तीसरा, मल्टी लेवल इंडोर स्टेडियम। चौथा भी बात कर लेते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। पांचवा, देश का पहला अर्बन रोप वे। छठा है रिंग रोड का जाल। सातवां है बाबतपुर वाराणसी हाईवे। काशी कितना बदला समझिए खुद। आठवां, आधुनिक रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट। तो वहीं नौवां, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष। दसवां, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज। काशी कितना बदल गया है, ग्राफिक्स के जरिए भी हमने आपको समझाया, तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वाराणसी के सांसद भी हैं, कितनी बड़ी सौगात प्रधानमंत्री ने काशी को दी। और भी अनगिनत सौगात हैं जो देश के प्रधानमंत्री ने काशी को दी है, और अब तीसरे टर्म में काशी के किस तरीके से काशी को और विकास की रफ्तार पर प्रधानमंत्री लेकर जाएंगे, ये तो देखने वाली बात होगी।